बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब दिल विरहा
वर्णन करूं बड़ी रूह की जो हक नूर का अंग रूहे नूर इन अंग के जो हमेशा सब संग हम कह रहे हैं कि किसका वर्णन कर रहे हैं बड़ी रूह का जो हक के अंग का नूर है और रूहे किसके अंग का नूर है हम सब परमधाम वाले तन हम तो आएगा परमधाम वाले तन और हम परमधाम वाले वो मूल तन किसके अंग है श्यामा जी के हक जात अंग अर्श का और हक की जात कौन है जो अर्श के अंग है अर्श में ही बैठे हैं क्यों कर वर्णन होए कैसे हो सकता है हक जात के जो अंग हैं श्यामा जी के उनका कैसे वर्णन करें इसलिए कहते हैं उनको श्यामा जी ने अपने दिल में ही छुपा के रखा है बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए हमारे कारण कौन जाहिर हुआ अभी से हक जात अंग अर्श का और हक की जात जो है वो अंग कहाँ के अर्श में बैठे हैं क्यों कर वर्णन होए जी कह रही उनका वर्णन कैसे करें जो हक के नूर का भी नूर है अंग के भी अंग है तो उनका वर्णन यहाँ कैसे कोई कर सकता है इन स्वरूप को सुपन भूम का शब्द ना पहुँचे कोई अब कह रहे इन स्वरूप को सुपन भूम का कोई शब्द पहुँच नहीं सकता तो हम तो यही
श्यामा जी बन जाते, यही रुए बन गई। वो कह रहे सुपन भोम का एक शब्द भी उनकी शोभा के लिए पहुंच नहीं सकता। किने देखा सुनिया ना तरफ पाई, ना किसी ने देखा ना कहीं सुना, ना अर्श की तरफ ही पाई, खोज खोज के सब तक गए। तो वेदों ने कह दिया गम जान के निगम कहाँ है, खोज खोज पची आ रहे। आज हमारे यहाँ वेदों का भी ज्ञान दिया जा रहा, भागवत का भी ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि अब करना क्या है, मूल की बात करनी, मूल में उठना है। और बात कहाँ की कर रहे, शुरुआत की। जब खोज रहे थे तब की बात करी, फिर ब्रजराज जाहिर करा उसमें लग गए। अब जागनी कहाँ होनी है, कैसे होनी है, वो भूल गए। बस कहने लगे कि हम जागनी कर रहे, जागनी का ब्रह्मांड है, और जागनी का ब्रह्मांड ही सारा है, तो फिर सब अपने आप ही जाग जाएंगे। जागनी का ब्रह्मांड यूं है कि जागृत ज्ञान आया है और जागृत जगह में ही उठा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई उठने वाला है ही नहीं। कौन जागेगा, किसको जगाएगा, जो है उसको राजी महाराज ही जगाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए ज्ञान उतरा है, और वो ही जागृत होके सारा खजाना राज्य का नूर भरी रात है। क्योंकि फरामोशी में क्या कर दिया, एक तरफ फरामोशी दे दी और दूसरी तरफ नूर भरी रात, इलम से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई। नूर वो नहीं जो राज्य का चेतन है, ये नूर है इलम, इस ज्ञान से परातम को भर दिया राजी महाराज ने, उस दिल को पूर्ण ज्ञान दे दिया। तो जागृत कर दी, परामोशी करी रात कर दी, इलम दे दिया सुबह कर दी। जोरवा होती अर्श की, सो सुन के सुख पाए, ढूंढ पाएगा सुख। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, मेरे अंदर लहर उठ रही है काहे की, आनंद की। जो अरवा अर्श की है वो इसको सुन के सुख पा रही है, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था कि हमारे धनी के दिल में क्या क्या खजाना भरा हुआ है। पहले बेनियाज थी, इश्क में थी, इश्क के सागर में गर्क थी, और अब उनको इलम मिल गया। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, अब ये कौन कह रहा है, इंद्रावती जी, कि मेरी रूह चाह रही है वर्णन करूं। होए ना बिना अर्श इलम, कह रहे वर्णन कैसा करे, अभी अर्श का इलम हटा दो सबसे, कौन वर्णन करेगा, कहां से लाएंगे। तो कह रही मेरी रूह चाह रही है वर्णन करो, लेकिन अर्श वालों का वर्णन, राज्य का वर्णन, श्यामा जी का, रूहों का, अर्श के इलम के बगैर हो ही नहीं सकता। तो सुंदर साहब जी भ्रम हो जाता, शायद बहन जी को बहुत ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसको है, या हक को खबर है, हक की, या हक के इलम को खबर है। वो साफ साफ सीधे कह रहे कि बिना अर्श के इलम के अर्श का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो सिपत बड़ी चित लीजिए, बड़ी अकल सो जान, और बड़ी सिफत, क्योंकि उनसे बड़ी सिफत किसी की नहीं है राजे श्यामा जी रुए, और उसके लिए क्या चाहिए, बड़ी अकल, जागृत बुद्ध, क्योंकि यहाँ की अकल से वर्णन नहीं हो सकता। पहले कह दिया क्या चाहिए, अर्श का इलम, फिर क्या कह रहे, बड़ी बुद्धि भी चाहिए, बड़ी मत भी चाहिए, बड़ी अकल भी चाहिए। फना बका को क्या कहें, फना, ये फना बका को क्या कहें, अरब कहते हम तो दर्शन करते, बहुत सुंदर साथ, बड़े खुश हो के कहते, आजकल हम सब चितवन में रहते, वाणी पढ़ते, चितवन करते, कैसे करेंगे चितवन, क्योंकि जब मूल को पकड़ेंगे तो चितवन करना नहीं पड़ेगा। मूल का चित, चितवन पर आत्म का चित, चितवन में अपने आप ही चल पड़ेगा। हमें लगेगा कि ये तन कर रहा है, लेकिन पर आत्म का वो जो दिल है,
जो सुरता है उसका चित चितवन में चल पड़ता है। ताते पहुंचत नहीं जुबान, अब कह रहे हो वहां का वर्णन करने के लिए तो ये जुबान पहुंचती नहीं है। तो भी रूह मेरी ना रहे, अब कहती मेरी रूह रह तो नहीं सकती वर्णन करे बगैर, तो उसके लिए अर्श का मसाला चाहिए। हक वर्णन किया जाए, मेरी रूह बार बार अखंड परमधाम का सबका पूरा राजी श्यामा जी वहाँ के सुख क्या है उसका वर्णन करना चाहती है। हक इलम आया मुझ पे, अब कह रही मेरे पे क्या आ गया, हक का इलम, इलम आया तो इलम ने अंदर क्या कर दिया, इलम ने अंदर क्या कर दिया, बेचैनी, और हुक्म ने लिया उठाया परातम में पहुंचा दिया। सोया बिन रहो ना जाए, कहरी अब नहीं रहा जाता किसके बगैर और किसको नहीं रहा जाता, मेरी रूह को राज्य के बगैर, क्योंकि अब मेरी रूह चाहती है अपने धनी से मिलना, अपने धनी के सुख ये नहीं चाहता। सुंदर साथ जी ये तो खेल की तरफ खींचता है, खेल की तरफ खींचता है। अगर यहाँ बैठे कोई काम याद आ जाए तो सुरता इसकी कहाँ गई, खेल में पहुंच गई अपने घर में। तो मेरी रूह कह रही मेरी रूह चाह रही है ना, तो बैठ झूठी जिमी में ए बका वर्णन क्यों होए। नहीं तो इस समय झूठी जिमी में कैसे बैठे, इस तन को मत पकड़ना, परातम ने क्या देखा है, ये तन माया हुकम के ये देखा है, लेकिन वर्णन किसका चाहती है, परातम का। इलम हुकम खैचे रूह को, कौन खींच रहा है, इलम और हुकम मेरी रूह को कहाँ खींच रहा है, राज्य के सुखों की तरफ। अकल जुबा कहे सोए, अरे अकल भी वही की है और जुबा भी अर्श की ही बोल रही है। या तो रूह सुख पावत अर्श रूहे पावे आराम, इंद्रावती जी कहती मेरी रूह को भी सुख मिल रहा है अंदर, कौन हुकम, कौन सा हुक्म जो श्यामा जी का नाम लेके आया, तो कह रही मेरी रूह को भी सुख मिल रहा है और अर्श रूहों को भी आराम मिल रहा है, क्योंकि वहां इलम ज्ञान ये पहुंच रहा है। कहूं सिखाई रूह अल्लाह की, इंद्रावती जी कह रही ये बात कहां से आई, तो मैं रूह अल्लाह की सिखाई बोल रही हूँ, क्योंकि श्यामा जी ने कहा सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, सुख में श्री इंद्रावती को उपमा मैं दी मेरे हाथ, इंद्रावती जी को उपमा मैंने दी है अपने हाथ से, कौन बोल रहा है, श्यामा महारानी। तो इंद्रावती जी के अंदर पांचों शक्ति बैठी तो हुक्म बोलने लगा, खींच रहा है कहाँ, आज की तरफ। ले सायदी अल्लाह कलाम, अल्लाह ने भी सिखाया और गवाही कहाँ मिली, अल्लाह कलाम से, तो दो हादी दोनों ने गवाही दे दी। हक इलम सिर लेके वर्णन करूं हक जात, अरे हक का इलम लेके हक की जात का वर्णन करूं, क्योंकि हक की जात यहाँ सिर्फ जाहिर हुई है आई नहीं है। रू मेरी सुख पावई हृदय बसो दिन रात, कह रही श्यामा जी से कि मेरी रू सुख पावेगी हृदय बसो दिन रात, पल भर के लिए भी मेरे से अलग ना हो, और वो भी नहीं सकते, क्योंकि रात दिन पल पल हर पल हर समय हर घड़ी रूहों के दिल में ही बसते हैं। मोमिन दिल अर्श कहा सो अर्श बसे चित हक, क्या कह रहे, मोमिन का दिल अर्श कहा, और अर्श कहा है जहाँ मोमिन का दिल है, और मोमिनों के दिल में ही राज्य रहते हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। तो हम कह देते राजी महाराज हमें क्यों खेल में भेज दिया छुड़ा लो, वो कह रहे मैंने भेजा ही नहीं, मेरी रूह तो मेरे चरणों में ही बैठी है और मैं इनके दिल में बैठा हूँ,
दिल से ही खेल दिखा रहा हूँ, और खेल भी कौन सा, अपने दिल का, अपने दिल का। ये माया का खेल नहीं। हम सोचे यहाँ के हमारे सारे दुख राज्य में, राज हम इतने दुखी हैं, इतने संकट झेल रहे हैं, आप कैसे सहन कर रहे हैं, वो कह रहे मैं देख ही नहीं रहा ना, मैं अपने रोगों को दिखा रहा, मैं तो अपने आनंद की इश्क की लज्जत इनको दे रहा हूँ, अपनी बात कर रहे हैं। निस्बत मेरे जोश हुकम है, और इश्क इलम बेशक फिर पढ़ो निस्बत की चौपाई पढ़ दो, सबको पकड़ में आ जाएगी। मोमिन दिल अर्श कहा, मोमिन का दिल अर्श है और मोमिन अर्श में ही बैठे हैं। सो अर्श बसे जित हक, और अर्श कहा है जहाँ हक है, तो मोमनों के दिल में ही राजी महाराज का ठिकाना है। निस्बत मेरे जोश हुकम है, जारी जी जाना कहीं धीरे पढ़ लो। निस्बत जोश हुकम, ये सारी चीजें काम कर रही है किसके वास्ते, निस्बत वही, जोश वही, हुकम वही। हम सोच रहे यहाँ आ गया, वो कह रहे वही बैठा काम कर रहा है, वो तो हुकम का हुकम आया है। जबराइल सबका वो है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, पावर हाउस, और वहां से सब जगह जोश चला है। जबराइल तो जोश का खजाना सागर है, वो पावर हाउस है, जितने ग्रंथ यहाँ भी उतरे वो जोश से उतरे, भागवत भी जोश के द्वारा, फिर क्यों रोए, तो सारे जितना भी जोश आया है, जोश के द्वारा ज्ञान उतरा है, उसका पावर हाउस जबराइल है। निस्बत मेरे निस्बत काय अर्श में, मेहर जोश हुकम, मेहर जोश हुकम, ये निस्बत भी राज्य के दिल के ही अंग है। निस्बत कौन है, राज्य के दिल के अंग निस्बत श्यामा जी, और श्यामा जी से सब रूहे निस्बत जोश हुकम। और इश्क इलम बेशक, और इश्क का इलम, इश्क भी राज्य के दिल से, इश्क का इलम भी, ये जो बोल रहा है ये राज्य के दिल से है। ए बरकत हक अर्थ में, ये बरकत कहाँ है, सारी सारी बरकत है कहाँ, सारे खजाने कहाँ है, हक अर्श में, किस में रख दिए, मोमनों के दिल में। तो दिल अर्श कहा मोमिन, तो दिल मोमनों का अर्श का, क्योंकि सारे दिल के अंग मोमनों के दिल में रख दिए। तो वर्णन हुए अर्श का, पार्वती जी कहती तो इसलिए अर्श का वर्णन हो रहा है, एक चीज से नहीं कि खाली निस्बत हो, सारे तार जोड़ दिए उस दिल से। जो यो दिल होए रोशन, जो ऐसे दिल रोशन हो, तो फिर वो दिल कैसे जुदा रह सकता है, उस दिल को तो असल दिल की पहचान हो गई, और वो दिल दिल से जुड़ के वही बैठा है। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन, अरे बारीक, सुंदर साथी यहाँ बोल देते हैं कि हम जर्रे जर्रे में घूमते हैं, क्या हम जर्रे जर्रे में नहीं घूमते, हमें लो सारी पहचान है, पूरे परम धाम की सारी पहचान है, जमुना जी कहाँ है, पुखराज पर्वत कहाँ है, वो अरे तुम शब्दों में जानते हो, शब्दों में, सिर्फ शब्दों में, शब्दों से सोच लिया हम पहुंच गए, शब्द तो यहाँ के लाओ, तुमने जिसने नैनीताल नहीं देखा, मैं वर्णन करूं शब्दों में तो सबको बताने लगोगे, एक देखना जानना, एक सिर्फ शब्दों तक रहना, और एक शब्दों से पार परे होना, दोनों चीजें अलग है, ये अर्श की रूह जानती है। जीवत लेसी सो सुख, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस्करण, हम यहाँ ले लेते हमारा अंतस्करण।
अंतस्करण टूट गया, हमारा ये अंतस्करण तोड़ो, क्या करो, नमक मरीच का ना छोड़ दो, चाय छोड़ दो, घर से निकल जाओ और दूसरे के घर में जाके घुस जाओ, क्योंकि घर का तो खजाना है नहीं, पैसा है नहीं, खाने को ढंग से मिलता नहीं। सरकार साहब कहते थे सिर मुंडाए तीन लाभ, सिर की मिटे खाज और खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। कितना आराम है, कितना सुख है, कितना चैन है, कपड़े धोने वाले मिलते हैं, सेवा करने वाले मिलते हैं, जी अजूरी करने वाले मिलते हैं, चरण छूने वाले मिलते हैं। घर में तो सुबह उठो सब्जी का थैला उठाओ जाओ लेने, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, लेके आया बेचारा, फिर घर में आके काम भूल गए थे, फिर जाओ सब झंझटों से छुट गए था घर छोड़ के। वो कह रहे ये नहीं, ये अंतस्करण नहीं, जिनकी अपनी मैं मर गई और धनी की मैं अंदर है, पता चल गया कि सब अंग रूहों के दिल में जो है वो राज्य के ही तो अंग है। तो हम कह देते जैसे जैसे हमारी पर आतंक का अंग उठेगा तो राज्य का अंग सामने आएगा, ये राज्य के ही अंग, ये सब राज्य के ही अंग है, जो रूहों के दिल में है वो राज्य का ही तो दिल है और दिल के सारे अंग रूहों के दिल में है। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, रेवती जी कह रही मेरी छाती मेरा दिल कोमल है और कोमल तुम्हारे चरण है धनी, क्योंकि चरण अपने दिल से जुदा नहीं करती। वासा करो तिन पर, अरे उसमें आके बसो वासा करो, वो तो बैठे ही है। तुम सो निस्बत अर्स तन, के तुमसे मेरी निस्बत अर्श के तन से है, वो तन तुम्हारा है और तुम उसमें बैठे हो। रू छाती सुंदर सा जी एक बात सोचो कि खुद को देखने के लिए शीशा देखते हो ना, देखते हो राजी अपने दिल के अंगों को कहाँ देखेंगे, खुद को कहाँ देखेंगे, खुद की पहचान कहाँ उनको है, अपने तनों में। खुद का अपना निज सुख लेने के लिए राजी कहाँ अपना सुख रखेंगे, रूहों के दिल में, रूहों के दिल में ही तो भरेंगे खजाना। तभी तो कहते हैं कि सुराई पिलाते इश्क की और पीते हैं, क्योंकि उन तनों के बगैर कैसे सुख ले, अगर अकेले रहे तो कैसे ले, खजाना सब राज्य के दिल में है, लेकिन अपने सुख के कारण अपनी लज्जत सुख जो राज्य हमेशा लेते हैं, लेकिन रूहों को पता नहीं था कि हम क्यों इश्क हमारा इनसे है। वो कह रहे मेरी तनों अपने सुख के लिए अपनी लज्जत के लिए, इसीलिए हमारी संप्रदाय क्या है, निज आनंद निज सुख निज स्वरूप निज निस्बत उनकी सब कुछ उनका है और वो खुद को अपने रूहों में ही देखते हैं। मेरी छाती दिल की कोमल है, मेरी छाती दिल की कोमल है और उससे भी कोमल धनी तुम्हारे चरण है। दिन पर राखूं नरम कदम, दिल में नरम कदम राखूं, कैसे अपने धनी को अपने दिल में बसाऊं, इतनी सेज बिछाए देऊं और इतनी सेज बिछाए देऊं, क्योंकि रहते ही वहाँ है रूहों के दिल में राजी। जुदे करो जिन दम, एक दम जरा सा भी जुदा मत करो धनी, क्योंकि ये चरण मेरे प्राण है। रू छाती इनसे कोमल, चरण से भी कोमल रूह की छाती और उससे भी कोमल आपके चरण है। इनसे पाऊं कोमल, इनसे भी चरण कोमल है धनी, उनका सुख लूं, इत सुख देऊं मां सुख को, इत सुख देऊं। और हम क्या करते, सुख दे दो धनी बस, हे राजी महाराज ये दे दो ये दे दो ये दे दो सब दे दो, फिर क्या कह देंगे राजी हम तो उतना जानते भी नहीं जितना आप देते हो,
अपनी मर्जी से दे दो, पर दे दो हम कुछ ना दे, हम कुछ भी ना दे। तो वो इंद्रावती जी और वो छत्रसाल जी थे। छत्रसाल जी के पियाजी सुंदर वर अनेक भांत सुख देव, और हमें तो चाहिए दे दो बस जो हो। सुख यो ले उने चल दू तो सुख लू, कह रहे इनसे सुख देव तो सुख लू। सुंदर साहब जी संसार में भी है, किसी को कष्ट दोगे तो कष्ट मिलेगा और किसी को आराम दोगे तो आराम मिलेगा, क्योंकि किसी का दिल दुखा के कभी भी अपना दिल खुश नहीं रह सकता। दूसरे को सुखी करोगे तो तुम्हारा दिल खुश होगा अपने आप ही। मेरी रूह नैन की पुतली, हम कह रहे हैं धनी आपके चरण मेरी रूह है, वो मेरे नैन की पुतली है। बीच राखूं तिन तारन, नैनों के तारों के बीच में किसको रखूं चरण को, क्योंकि चरण जो है वो मेरी रूह है, मेरे नैन की पुतली है। खिन एक न्यारी जिन करो, एक खिन के लिए भी न्यारी ना करो धनी। ए चरण बसे निस दिन, ये चरण निस दिन मेरी रूह की नैन की पुतलियों में बसते हैं। चरण तली अति कोमल, चरण की तली सुंदर साची लीके बारीक लीके तक की नहीं है तली की, क्यों कि उनकी सुरता वहां लग गई। हम सिर्फ पढ़ के या उतार लेते हैं तो राज्य की इतनी लीके हैं, वो गिनना और सुख लेना वो दोनों अलग है। मेरी रूह के नैन कोमल, कह रहे चरण तली अति कोमल है और मेरी रूह के नैन भी कोमल है, क्यों कि मेरी रूह आप ही तो हो। हम सोचते हैं कि नैन कान जुबा सब हमारी है, वहां हमारा हमारा तुम्हारा है ही नहीं। जो तन है वो राज्य के, उनके जितने अंग है वो भी राज्य के ही है। निस दिन राखूं इन पर, अब मैं आपके चरण निस दिन इन पे रखूं। जिन आवने देऊं बीच पल, एक पल भी बीच में ना आने देऊं। और सुंदर साजी अगर यहाँ राज्य के चरण ऐसे आ जाए तो कितने पल बीच में निकल जाते, सदियों निकल जाती। कहा बस याद कर लेते बैठ के, अब वो भी किसके लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। बड़े बड़े महाराज हैं, ज्ञान लेते हैं किसको, ज्ञान देने के लिए, और ना लिया ना दिया, ना लिया ना दिया, ऊपर ऊपर पड़ा और ऊपर से बता दिया और वो भी चल दिए टोकरा लेके, ब्रह्म ज्ञान ले लो। ब्रह्म ज्ञान राज्य के दिल में घुस के मिलता है, यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा इस तरह। नैन की पुतली, सांस नीचे क्यों जा रहा है, तीन नैनों बीच तारन है, अरे मेरी रू नैन की पुतली है और तीन के बीच तीन तारे जो नैन में देखने वाले होते हैं। इतने से जा निस दिन, और मैंने से जा यहाँ लगा रखी निस दिन, क्योंकि मैं देखती रहूं। धरो उज्जवल दो चरण, मैं उज्जवल दो चरण रखो मेरा दिल। साजी श्यामा जी का वर्णन चल रहा है, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है। धनी दिल, दिल तो कहने को कह दिया लेकिन दिल तो वो राज्य का ही है। मेरा दिल तुम्हारा अर्श, इसमें तुम रहते हो। जैसे हमारे दिल में कोई बात कोई कह दे चुप जाए तो हर वक्त वही रहेगा, दूसरा कहेगा अरे निकाल के फेंक इसको, हटो इसको, फिर वो आएगा, क्योंकि जो चीज दिल में चुप गई वो हटनी मुश्किल हो जाती है। तो ये राज्य का अर्श, इंद्रावती जी कहती मेरा दिल है श्यामा जी का अर्श। राज्य श्यामा जी दो नहीं है सुंदर साक्ष, मेरा दिल तुम्हारा अर्श है,
माहे बहु विध की मोहलात। क्या करा, अपने दिल में ही देखा कि जहाँ राज्य है वहाँ तो पूरा खजाना है, और मेरे दिल के अंदर माहे बहु विध की मोहलात, मेरे दिल में ही है, सब यही बसती है। कई सेज हिंदोले तखत, दिल से रिझा रही ना सुंदर साथ जी, इस समय कहाँ बैठे, फरामोशी में, फरामोशी में बैठे तो दिल से दिल की बात हो रही है, अपने दिल से बात कर रही है। अभी बोला था ना, कीर्तन बोल रहे थे, तो वो दिल से ही सुरता से अपनी राज्य से बात कर रही है। रू नए नए रंगों बिछात, और मेरी रू नए नए तरीके से सेज को सजा रही है। आशा पूरो सुख देओ, अब आशा पूरो इसकी राजी, आपको मैं बैठा के आपको इतना खुश करूं, नए नए कराऊं सिनेगार, मेरी आशा नहीं पूरो, मैं आपको हर तरह के सुख देऊ अपने दिल की सेज लगा के, देऊ पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊ सब अंग समार, और देऊ मतलब आपको अपने दिल की सेज पे बैठाऊ और होश में रहूं पूरी मस्ती ना बेहोशी, और फिर मैं सुख लेऊ क्योंकि दली ने मेरे दिल में सेज लगाई है। सब कुछ तुम्हारे दिल का, तेरी सब कुछ तुम्हारे दिल का, तुम्हारे दिल की हर बात हर कुछ छुपा हुआ, जिन मेरा दिल किया रोशन, तुम्हारे दिल के कुछ नहीं तो मेरा दिल रोशन करा है, ये है क्योंकि फरामोशी में जगा दिया, जब जागृत थे तब शुद्ध नहीं थी, और अब फरामोश किया तो सारी शुद्ध दिल को आ गई, दिल के अंग जगा दिए, नैन कान सब फरामोश है, बैठी है चरणों में, देख नहीं सकती, और दिल जाग गया। जेता मता बीच अर्श के, सब आया दिल मोमिन, अब कह रहे जितना भी खजाना है, जेता मता माने जितना खजाना अर्श का है, सारा मेरे दिल में आ गया। तो कहा अर्श दिल मोमिन, तो इस कारण से मोमिन का दिल अर्श का, क्योंकि सब विद बैठ गए दिल में, हक बैठे उठे खेलाए, राजी उस दिल में बैठे उठे उस दिल को पहचान दे रहे हैं। सुख बका हक अर्श रूहे, सिफत क्यों कहे दिल जुबाए, अरे आप वहाँ की सिफत अर्श की रूहों की, मेरी मेरा दिल जुबा कैसे करे, क्योंकि मैं तो उन सुखों में खो गई हूँ। एक स्वाद दिल देखे तुमको, एक स्वाद, अब सारे अंग है ना, अंगों के एक स्वाद दे, दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी वाणी की मिठास, और तुम्हारी वाणी की मिठास ये कहाँ पहुँच रही है, कल रसना वाला भजन बोला था ना, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, तो ये रस भरी रसना जो पिलावत है ताम निस्बत की, तो ये रस भरी रसना वहाँ पहुँच रही है। ले खुशबोए बोलूं तुमसो, तुम्हारी खुशबोए ले तुमसे बात करूं, धनी कहाँ करेंगी कैसे करेंगी, जब दिल अर्श करके और अर्श में सारा खजाना रख लिया तो वो दिल के अंगों से बात कर रही है। जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल है, जितना सुख तुम्हारे अर्श में अब तो सब हमारे दिल में रख दिया, दिल को पहचान हो गई है। ए सुख रू मेरी ले वही, जो दिए इन अर्श में मिले, अब कह रहे ये सुख अब मेरी रू ले रही है, जो अर्श में मिल के आपने दिए, अब मुझे उनकी पहचान हो गई है इश्क के इलम से। रू वर्णन करे क्या होए, सुंदर सा जी
रू वर्णन करे क्या हुए, कहने से क्या होता, का भयो जो मुखते कहो, जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है अंग होत है टूक टूक, एक शब्द लग जाए। रू वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वादना ले निस्बत, कर ले वर्णन करे से क्या होता है, जब तक निस्बत स्वाद ना ले, तो वर्णन करे जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अरे पढ़ के मणि से आगे पहुंचो वहां अपने मूल में, मां धनी के सेज बिछाओ अपने दिल में और दिल से दिल की बातें करो। मेरा क्या लगे, चलो इश्क इलम जोश हुकम, इश्क इलम जोश हुकम, सारे सब सामग्री उठाई, ये सब मेरे पाइये नियामत, अरे ये सारी चीजें नियामत मेहर से मिलेगी, क्योंकि राज्य के दिल की नियामत है। अब मेहर के सागर में जब लेके बैठे तो इंद्रावती जी कहती है कि कहां से पहचान हुई, मेहर से, मेहर के सागर से इन सारे सागरों की पहचान हो गई। दिल के अंगों बिना हक के, राज्य के दिल के अंगों के बिना कैसे रू स्वाद लेगी, इत स्वाद लीजे क्यों करे, इत नहीं इत, जब तक दिल के अंग मेरे दिल में ना आए और पहचान ना हो तो फिर रू स्वाद कैसे ले, देखे सुने बोले बिना, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्थ नाम धराया धनी बिगड़े, धनी के बिगड़े, देखे नहीं सुने नहीं बोले नहीं, अब रू दिल से दिल की बात लेके और दिल से बात कर रही है, किससे, राज्य के दिल से, क्योंकि ये उन्होंने अपना दिल दे दिया, दिल दे के रूहों का दिल ले लिया और दिल लेके सारा खजाना उस दिल में भर दिया, आज की सारी हकीकत मार्फत खोल के रख दी। जो मासूक सेज ना आया, दृष्टांत दृष्टांत दे दिया कि किसी का पति घर तो आया नहीं, सेज तो आया नहीं, कह दिया मेरा पति, अरे कहाँ आया, कह रहे तो जब तक सुख सुख नहीं लेगी निस्बत का तो कैसे कह देगी, दोबारा पढ़ो। जो मासूक सेज ना आया, देखा सुनिया ना कही बात, कह रहे तो वही हो गया, ना देखा ना सुना ना सेज आया, सपने में सरकार साहब एक सपना सुनाते थे, एक दृष्टांत देते थे कि दो सहेली थी सुंदर सा जी, तो एक का पति आया वो सो गई और दूसरी का पति आया तो वो जाग गई, एक का पति आया वो सो गई और दूसरे का पति आया दूसरी सहेली का तो वो जाग गई, अब आए कैसे नींद में, एक का पति आया तो नींद आ गई और दूसरे का सपने में आया तो वो जाग गई, दोनों ही रह गए। तो वही उसी तरह से है, सेज आए नहीं, ना देखा ना सुना ना बात करी, दिल की सेज में, दिल की सेज सुंदर सा जी, परंधाम की बात है यहाँ की नहीं, दिल की सेज में, तो कह रहे कैसे कह दे, माशूक के बिना तो उसकी रात ही निष्फल चली गई, सुख अंग ना लियो इन सेज को, और इस सेज का सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताए निष्फल गई जो रात, तो कह रहे जब तक राज्य के दिल के अंगों की पहचान नहीं होगी, दिल में नहीं आएंगे, तब तक राज्य से कैसे बात करेंगे और कैसे उनका सुख लेंगे, क्योंकि शब्दातीत इस समय अपनी रूहों को सुख दे रहे हैं शब्दों से,
शब्दातीत नित लाए शब्द में खजाना लाए और लेके रूहों को दे दिया, क्योंकि ये वाणी माया के लिए नहीं है, साथ के कारण है। ये बातें किसकी है? हमारी पर आत्म की। और सुंदर सा जी इन चौपाइयों को लेके बड़े बड़े बैठ जाते, कहां जाएंगे, कहां घटा देते हैं ये चौपाई, यहाँ घटाते हैं यहाँ। उनकी तो शक्ल में मत देखो, क्योंकि वो हमारे लायक, हम उनके लायक नहीं है। ये जो अरवाहे अर्श की पड़ी रहे तले कदम, बस ये जो अरवाहे अर्श की है वो अपने धनी के चरणों से अलग होती ही नहीं और हुई नहीं। जब अलग हुई नहीं तो फिर कैसे कहें कि हम जुदा हैं। खान पान इनो इतही, उनका तो खाना पीना वही, दीदार वही, वही उनकी खुराक है। रुए रहे तले कदम, रुए रहे तले कदम, और अब तो यहाँ आ गए। अगर रूह यहाँ नहीं आई तो फिर हम कौन है? तुम खुद से पूछो तुम कौन हो। सब आम खलक है, आम खलक में से चुन लिया, अपने खासे बंदे बना लिए, दोस्ती कर ली, क्योंकि ये इलम पर आत्म में पहुंचाना था और वहां इलम दे नहीं सकते थे इश्क में। नेक जुदाई की इश्क से हुई, इश्क से परमधाम से नहीं, राज्य से नहीं, जरा सी क्यों दियो रे बिछोवा दुल्हा छूटी हाथ खिलवत, हम अरवाए जो अर्श की फिर कब। जी ये वाणी अर्श की है, रूहों के लिए ये बात है। जीव सृष्टि को मुक्ति दे देंगे, ईश्वरी को शुद्ध दे देंगे, अक्षरातीत के मोल में प्रेम शत बढ़त सो शुद्ध किन्विद केली करत। कैसे लीला करते हैं, क्या लीला है शुद्ध नहीं। अब अक्षर ब्रह्म को भी शुद्ध हो गई कि वो लीला क्या करते हैं, और दुनिया को ज्ञान मिल गया कहाँ कहाँ खिलवत का, तो अखंड कर देंगे, क्योंकि अपनी लीला उनकी गरज पड़ गई ना। अपने लीला छोड़ के नहीं जाएंगे, जहां जहां लीला फैल गई अखंड कर देंगे, क्योंकि अक्षरातीत की खिलवत जाहिर हो गई, उस खिलवत को खेल में नहीं छोड़ेंगे और ना दूसरा खेल बनेगा उसमें खिलवत जाहिर होगी। इसलिए सबको अखंड करना ही पड़ेगा। सुंदर सा जी आज क्वेश्चन था कि विष्णु भगवान जब अपने उठेंगे तो उनकी जितनी सुरता है, उनका सपना है, उनमें समा जाएगा, तो आगे फिर क्या जाएगा, क्योंकि होता है ना सब हमें पूछेंगे, तो जब कोई भी नहीं रहेगा तो हमें कौन पूछेगा। सब नूरी तन होंगे, नूर का ही ब्रह्मांड होगा, जैसे परमधाम में चेतन है वही चेतन अक्षरधाम में भी है, वही चेतन सब चेतन तन बनेंगे, चेतन ही होगा, बुद्धि भी जागृत होगी और ये पूरा ज्ञान होगा कि ये ब्रह्म सृष्टि, इनकी वजह से हमें मुक्ति मिल गई। और जो जिसने नहीं लिए राज्य को नहीं पहचाना, तो कह रहे पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, हाथ मलेंगे, और उनको भी धनी तो मेहरबान है, सबको अखंड कर देंगे। सुंदर साथ जी तब ब्रह्म सृष्टियों का जो प्रतिबिंब पड़ेगा असल रूहों के तनों का, पहली वहिस्त में अभी तो हम ही जा रहे थे, ठेका लिए बैठे थे, हम पहली वहिस्त में जाएंगे और हमारे जीव जाएंगे। जीव है कहां विष्णु भगवान, और कहां पड़ा सपने में, तो ये जो जड़ है इसको चेतन तत्व दे देंगे, वहां सबको अखंड कर देंगे, अक्ष पड़ेगा असल रूहों के तनों का, सब उनको पूजेंगे। शोभा कहां मिलेगी, परम धाम में, राज्य दिखाएंगे, देखो रूह ये तुम्हारी साहिबी है, रूहों की साहिबी। अब हम इतने खुश हो रहे कि हमें साहिबी तो मिल गई, देखो ये यहाँ की अकल है, खुश हो रहे हैं कि हमें साहिबी मिली। जब इश्क में चले जाओगे तो साहिबी अच्छी, धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी रखो आप,
इश्क दीजिए मोए अपनो मैं तासो करूं मिला। दिखा दी साहिबी बेटी साहिबी अपनी भी दिखा दी लेकिन इश्क में गए तो साहिबी अच्छी नहीं लगेगी। सुंदर सन जी यहाँ खुश हो रहे क्योंकि ये चाहता ना साहिब बनना, इसको बड़ापन चाहिए, इसको बुजुर्गी चाहिए, उनको बुजुर्गी नहीं चाहिए। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, उनको नहीं चाहिए वो इश्क के तने। हक अर्ज मोमिन दिले तिने निमक ना पड़े भूल। राजी का अर्श मोमनों का दिल है, वो दिल तो इतनी भी भूल नहीं कर सकता। हक कदम हक अर्श में और हक के कदम हक का ही अर्श है मोमिन का दिल, करे मेरा ही तो अर्श है। हक कदम हक अर्श में सो अर्श मोमिन का दिल, हक कदम हक अर्श, हक का अर्श है, हक के कदम कहाँ अपने अर्श में, और वो अर्श क्या है मोमिन का दिल है, और मोमिन कौन है राज्य के तन है। झूठे ना अर्श कदम है जो याही की हुए मिसल है। अब क्योंकि वो किसके है तन है, किसकी मिसल है, मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना है। सो कहे धनी बराबर जो मूल तन अर्श के माए, ये नहीं है उनके बराबर, वो उनके बराबर है क्योंकि उनका तन है, उनमें उनमें कोई फर्क नहीं है, वो वाहिदत है। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर है रे, मेरे चरण दिल पे रखूं अपने हृदय में रखूं, लेके फिरो नैनन पर, मैं अपने नैनों पे पलकों पे नैनों पे बैठा के घूमूं, और सिर पर राखूं और सिर पे लिए फिरूं, क्यों कि मुझे मेरे ननी के चरणों की पहचान हो गई कि उन्होंने तो मेरे दिल को अर्श बनाया। भी राखूं बीच नैन के और अपने नैन के बीच में राखूं, और नैनों बीच दिल नैन, और नैनों के बीच क्या है दिल के नैन। हम यहाँ सोचते हैं कि आंखें हमारी देख रही है, ये दिल की आंखें अंतर आंखा। सुंदर सा जी दिल की आंख इन नैनों से जुड़ी है, यहाँ भी जो देखते हैं सबका तार दिल से जुड़ा है। भी राखूं रू के नैन में, मैं तो अपनी रू के नैन में रखूं, जो रू पावे सुख जय, जिससे मेरी, देखो सुंदर सा जी उलट पलट कुछ भी कर लो लीला वाहित है। पुजारी जी एक एक शब्द पढ़ो। भी राखो रू के नैन में, रू हमारी कौन है, रू हमारी, तुम सब रूए मेरे तन और राज्य, कह रहे मैं ही बैठा हूँ तो हाथी के चरण हो गए ना, वो तो लगातार होगी सिक्वेंस, राज्य एक है सब, लीला में कह दिया वैसे एक है। हाँ तो कह रहे मेरा दिल किसका अर्श है, राज्य ने चरण श्यामा जी राज्य उनके चरण आए धनी के, तो मेरा दिल अर्श हुआ और ये मेरी रूह है। ठीक है एक एक चौपाई पढ़ो बिजली चरण। भी रूह के नैन में, अब मैं किस में रखूं अपनी रूह के नैन में, क्योंकि रूह को रूह मेरी कौन है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण ए जुदाएगी क्यों सहे रूह बिना अपने तन, क्योंकि हमारी जो रूह है वो राज्य के चरण है और अपने तनों से जुदा नहीं रह सकते। तो मोमिन का दिल घर है और चरण राज्य के, मोमिन का दिल अर्श है। जो रू पावे सुख चैन, जिससे मेरी रूह को सुख चैन मिले, क्योंकि मेरे धनी की सेज लगी है उनके चरण मेरे दिल में है। श्री महामत कहे इन चरण को राखो रू के अंतस करण है। मेरा अंतस्करण नहीं, मेरे जो रोम रोम में वो राजी ही है, मैं
जिनका टूटिया अंतस्करण है। मैं तो अपनी मर गई, अब तो धनी की मैं, हर अंग धनी के। तो पढ़ो फिर। श्री महामत कहे इन चरण को, श्री महामती कहे इन चरण को, धनी के श्यामा जी के चरणों को राखो रूके अंतस्करण। अब मैं रूके अंतस्करण में ले जाऊं, कोई अंग बाकी ना बचे। या रू नैन की पुतली, या रू नैन की पुतली बीच राखो तिन कारण। या तो अंतस्करण में रखूं या रू नैन की पुतली में रखूं, बीच राखो तीन तीन तार। नैन के भी, रू के नैन, नैन के तारे, उन तारों के बीच में रखूं जो देखने वाली रोशनी आती है। श्री महामत कहे इन चरण को, श्री महामत कहे इन चरण को राखो रूके अंतस्करण। बहुत से सुंदर साथ हैं आजकल। कैसे काम चल रहा कि राज्य कर रहे? मेरी भी काम करने वाली नहीं आ रही, सब काम राज्य कर रहे, क्योंकि ये हाथ पैर करते ना तो सोचते हैं राज्य का है तो राज्य ही कर रहे। कितना हल्का लिया अक्षरातीत को, उनको पाना है तो उनकी पर सुरता में वही पहुंचना अपने परातम में, और परातम लेके विलसी संग कसम यहाँ से नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव राटो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी समरथ दिन रह जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं हुटी सो क्यों, देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुने के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।